अमृतसर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, जहां ट्रेवल कंपनी के एजेंट ने युवक को झांसे में लेकर विदेश भेजने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद युवक को स्पेन की जगह यूक्रेन दिया गया, जहां करीब 5 महीने बाद पोलैंड जाते समय बॉर्डर पर बर्फीला रास्ता तय करते हुए युवक की मौत हो गई, जिसके 2 महीने बाद परिजनों को युवक का शव मिला। शव मिलने पर युवक के परिजनों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है।